Şakir. क्यों बेटा? आपकी दुआओं ने बचा लिया अम्मा। बेशक हम सबने रात भर दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। अनम अनम नहीं आई। वो आप तक नाराज है मुझसे। आप उसे छोड़े ना, आप अपनी सेहत की फिक्र करें। फराज की तरह डॉक्टर से मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, बिल अदा करने गया है। बहुत नेक बच्चे अम्मा, सारी रात मेरे पास बैठा रहा है। अल्लाह उसको अजर देगा, ठीक हो जाओ जल्दी से। परेशान मत हुआ करो बेटा, जिंदगी की उलझने सुलझा लो, ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाप ठीक हो ना? ठीक हूँ बेटा। अम्मा आइंदा हमने किसी से ऐसा पंगा नहीं लेना, सारे मोहल्ले के लोग पकड़ पकड़ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या बताऊं? यहाँ से अभी अभी औरतों का जत्था गया है, आ गई थी तमाशा देखने और चस्के लगाने। तो इसको भी पकड़ना जितने काम किया है। पकड़ूंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी बात जरा ताजी है, तमाशा बड़ा लगेगा। रात को शाकिर चाचा को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में है, दादी भी वहीं पे है। क्या अच्छा है, अच्छा है। अभी तो आगे आगे देखना तेरे शाकिर चचा के साथ होता क्या क्या है। अनम आप क्यों रो रही हैं? खैरियत है? आपसे हालात से गुजर रहे हैं, आपकी सजगीत को समझ सकते हैं, लेकिन आपको हौसला दिखाना है। क्या हौसला दिखाऊं? हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा है, सबको लग रहा है कि अब्बा मेरी वजह से बीमार है। आपकी वजह से नहीं, लोगों की वजह से। आजकल के जमाने में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शराफत है। शाकिर चचा लोगों के तंज और बातान बर्दाश्त नहीं कर सकते।